मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही भाजपा ने आज से ही बूथ स्तर पर सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक ओर जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पंडित जी की जयंती को अपने सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मैं सर्वप्रथम अंतोदय के प्रणेता जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंतोदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ कर किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए, यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।